बाइबल की पहली किताब जानते हो क्या बताती है? उत्पत्ति। सांप जीता है। यस, दिस इज ट्रुथ। ये सत्य है। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति बताती है सांप जीता, लेकर गया वो लोगों को खुदा से दूर। पर आप जानते हो इसी बाइबल की अंतिम किताब क्या बोलती है? मेमना जीता है। यस, कैसे कैसे जीता? उत्पत्ति बताता है शैतान मनुष्यों को खुदा से दूर ले गया, इस तरह वो जीता। प्रकाशित वाक्य बताता है मेमना उसकी प्रजा को वापस ले आया। यस, चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं पौलुस की बनाई हुई कलीसियाओं में एक कलीसिया थी जिसका नाम था गिलातियो। इस कलीसिया के अंदर विचित्र लोग पाए जाते थे, और जब मैं कहता हूं विचित्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे गौरव? विचित्र बोलते ना, विचित्र प्राणी है। चलो ठीक है, मैं हिंदी बराबर है मेरा, विचित्र। कभी कभी कितने डिफिकल्ट वर्ड्स बोलते हो अंग्रेजी में, मैं हिंदी का भी भूल जाता हूं। बड़े विचित्र, मतलब बहुत डिफरेंट लोग थे। आप जानते हो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि इन्होंने पौलुस के द्वारा सुसमाचार तो सुना, पवित्र आत्मा भी पाया, लेकिन जैसे पौलुस इस कलीसिया से लेफ्ट हुआ ना, निकला ना, पौलुस को पता चला इन्होंने वापस अपने रीति रिवाज पकड़े। जैसे आज भी आप देखोगे बहुत सारे विश्वासी, दे सेलिब्रेटिंग दिवाली ऑल्सो, होली ऑल्सो, और अगर आप उनको बोलोगे ना, अरे आप तो मसीह में हो, ये आधी दुनिया और आधे आप यहां पर हो, पास्टर ने बोला है सब बैलेंस करके चलने का, पास्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बाइबल बताती है बाल है तो बाल के पीछे चलो, प्रभु है तो प्रभु के पीछे चलो। हाँ, मुझे कोई भी विश करता है मैं सामने से बोलता हूं सर गॉड ब्लेस यू, दैट्स इट। मैं इग्नोर नहीं करता, मैं रूट नहीं हूं उनसे, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बताऊं, मैं किसी को भी अपने बिहेवियर से यह नहीं दिखा सकता कि मैं आपके साथ सहमत हूं। आप जानते हैं ये एक ऐसी चर्च थी जो हर जगह पे व्यवस्था भी मानती थी, यीशु के पीछे भी चलती थी। तब पौलुस उन्हें एक बात कहता है, और मैं चाहता हूं आप सभी जितने भी लोग यहां पर हैं इस बात को सुने, और थोड़ा सा ये बता के मैं फाइनली वर्ड ऑफ गॉड में आऊंगा।
ये प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। पौलुस उन्हें एक बात कहता है और वो उसमें लिखता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो? इंग्लिश में लिखा है, क्या तुम्हारी मति खत्म हो चुकी है? क्या तुम्हारा विजडम तुम्हें लेफ्ट हो चुका है? और उसके बाद वो उन्हें कहता है कि तुमने आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब तुम शरीर पे अंत कर रहे हो। आप जानते हो पौलुस उन्हें क्या बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने क्या शुरुआत की प्रभु में, लेकिन अब तुम्हारा एंड कैसा हो रहा है, कितना बदतर हो रहा है। इस एक वचन को लेकर आप अपने आप से एक बात पूछें। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सोचिए, कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी पढ़ो कम सोचो ज्यादा। क्या जैसे शुरुआत आपने की थी, अब आपका अंत जब प्रभु लगभग द्वार पे खड़ा है, हमारा अंत कैसे हो रहा है? जरा सोचिए, क्या आप दिन प्रतिदिन अपने माइंड, अपने बिहेवियर, अपने इनसाइट लाइफ में रिन्यू नए होते जा रहे हो कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप दिन प्रतिदिन अपने वापस अपने शारीरिक और अपने मन के पुराने स्वभाव में जा रहे हो? थिंक अबाउट दिस, इस बारे में सोचिए। एजुकेशन कहां लेनी है, किस कॉलेज में पढ़ना है, शादी कहां करनी है, लोन लेके कहां रहना है, इससे बढ़कर यह महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, दे हैव अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। कुछ लोगों के पास एक 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 ईश्वरीय फॉर्म है बाहर से, लेकिन अगर आप अंदर झांक कर देखें तो ऐसा लिखा गया है इनके अंदर सड़न है। कभी आप यहां पर, कोई है यहां पर ऐसा जो कभी ग्रेवयार्ड गया है? कभी कोई कब्रिस्तान गए हैं? कोई आप गए? एक और, कोई दो, काफी लोग गए होंगे। आपने देखा कुछ कुछ कब्रें बड़ी ब्यूटीफुल बनाई जगह बनाई गई हैं। मैं रिसेंटली जब थॉमस अन्ना डाय, जब वो प्रभु में सो गए, तो मैं शिवड़ी गया था, तो मैं वहां खड़ा था, उनके शव के आने में काफी देरी हो रही थी, तो वहां साइट में खड़े थे, मैंने कब्र देखी। मुझे ऐसा लग रहा था इस कब्र को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब आप सोचिए, एक कब्र बाहर से कैसे होती है, लेकिन अगर मैं उसे खोल दूं, आप कितनी देर वहां ठहरोगे? बनकर बनकर बनकर, आप ऐसे करोगे बनकर। जानते यीशु ने क्या कहा, ये छिपी हुई कब्रों के समान है जिन पे लोग चलते हैं पर वे नहीं जानते वो किस पे चलते। इसका अर्थ क्या है? वो समझाना चाह रहा था कुछ लोग बहुत सजे हुए हैं, लेकिन अगर हम उनके भीतर झांक के देख लो तो आप हैरान हो जाओगे, यार कितना डिफरेंट है ये अंदर से और कितना डिफरेंट है ये बाहर से। आप जानते हो इन दिनों में, आप बिलीव कीजिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन दिनों में है ना, कोई चर्च मिस नहीं कर रहा, हर कोई व्यक्ति टाइम पे कलीसिया आ रहा है, लोग प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहे हैं, लोग नोट्स बना रहे हैं, लोग रो रो के आराधना कर रहे हैं। पर आपको पता है इन दिनों में ये हो रहा है कि भीतर से जीवन जो है ना, जो उन्हें खुदावन ने दिया था, वो स्लोली स्लोली खत्म हो रहा है, वो बैक हो रहे हैं, वो बैक हो रहे हैं। मैंने एक प्रभु के दास से एक बात सुनी थी जो मैंने बहुत गहराई से समझी, नकल और सहभाग्यता। बोलिए नकल, बोलिए सहभाग्यता। आप जानते हैं नकल और सहभाग्यता में क्या अंतर है? जानना चाहेंगे? एक कुत्ते को पकड़ा गया और उसको बिल्लियों की क्लास में रखा गया। टीचर ने कहा कि इसको बिल्ली बनाएंगे, तब उसे पहले पहले कहा गया, सुन कुत्ते, लिसन। उसने कहा गया, सुन कुत्ते, बोला आओ। उन्होंने बोला, सुन, बिहेव लाइक कैट, बिल्ली की तरह बोल। तो पहले इसको बोला गया, बोल म्याऊं। तो उसने पहले ऐसा बोला, म्याऊं।
ओह नो, तो कुत्ता ही दिख रहा है। अच्छे से बोल, बोल स्वीटली, बोल मियाऊ। तब उससे थोड़ा ऐसे किया, उससे ऐसा किया, मियाऊ। नहीं, अभी भी तो कुत्ता ही लग रहा है। थोड़ा और स्वीटली बोल, बोल मियाऊ। तब उसने ऐसा बोला, मियाऊ। या अभी भी देखो, और इंप्रूव करना है, लेकिन बोल अभी मियाऊ। तब उसने कहा, मियाऊ। ओ कुत्ता बिल्ली, रोज उसको सिखाते थे बोल ऐसे ऐसे करके। और जानते हो 6-7 दिन के बाद उसने क्या कहा? उसने ऐसा कहा, मियाऊ, एकदम बिल्ली की तरह। सबको लगा ये हमने पूरा कर दिया काम, कुत्ता बिल्ली बन गया। एक दिन उसको छोड़ दिया गया, नीचे उतरा, 10-12 कुत्तों ने उसको राख दिया दूर से। यू नो, भूल गया मैं बिल्ली हूं। ओ लड़ने लगा, वापस कुत्ता बन गया। जानते क्यों कुत्ता बन गया वापस कुत्ता? क्योंकि वो नकल कर रहा था। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं ना, चर्च में आते हैं ना, हम बोलते हैं यीशु की तरह बनो। यस, मैं बनूंगा। और हम बाजू वाले से उसी समय से स्वीटली बात करना चालू करते हैं, मैं बन गया यीशु की तरह। इधर से नीचे उतरेंगे ना, वो वॉचमैन काका उनको बोलेगा ना, गाड़ी कैसे खड़ा किया था? ओए तू क्या पैसा है ना, तेरे बाप ने तो पैसा। उसके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बन, बिल्ली कुत्ता। इसीलिए यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, जो बातें हमने तुम्हें लिखी हैं, वो इसलिए लिखी हैं ताकि हमारी उससे सहभागिता हो। नकल करना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, नकल करना बंद कर दो। हाँ, सहभागी हो जाओ। नकल क्या करते हैं, हम अपने आप को उसे मॉडिफाई करते हैं, लेकिन सहभागिता जानते हैं हम कैसे रखते हैं? हम उसके साथ संगति करना शुरू करते हैं और हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं और वो हम में से बहना शुरू हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कुत्ते को जितना बिल्ली बनानी है बनाओ और उसको भेजो दुनिया में। जब दबाव आएगा ना, बोलो दबाव, इंग्लिश में से कहते हैं स्ट्रेस। जब फैमिली के ऊपर से दबाव, पैसों का दबाव, ये दबाव वो दबाव, जब आप दबते हो ना, तब जो अंदर से निकलता है ना, वो आप रियल हो। कितने लोग मेरी बात समझे? चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, शिमशोन का अंत कैसे हुआ? आपको, चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसके बाद हम वचन की शुरुआत करेंगे। मुझे बताइए, पहले बाल काटे गए कि पहले आंखें फोड़ी गई? कि पहले आंखें फोड़ी गई? पक्का? फिर से सोचो, पहले बाल काटे गए, फिर क्या किया गया? बालों में क्या था? आप जानते हैं, पहले अभिषेक गया, फिर स्पिरिचुअली ब्लाइंड बन गया। समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और जानते हैं अभिषेक क्यों गया? जानना चाहेंगे? ये भी एक लड़की के सामने अपने लूपहोल्स खोल रहा था, इसीलिए। एक लड़की ने उससे पूछा, तू बताना। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके उसे सब बता दिया, उसने दुश्मनों को बताया। आप जानते हो, वो हमारी तरह ही था, आपकी तरह ही था। कोई बॉडी बिल्डर नहीं था शिमशोन, वो बॉडी बिल्डर अभिषेक आने के बाद बनता था। इसीलिए तो उन्होंने एक औरत को हायर किया, उन्होंने कहा उससे पूछ तो, ये है तो नॉर्मल, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है, पता नहीं इसके ऊपर क्या हो जाता है, तब जाके। अब आप सोचो, अगर एक ऑलरेडी स्ट्रांग व्यक्ति है तो उससे पूछने की जरूरत ही क्या है कि तेरे ऊपर तू ऐसा कैसे बन जाता है। वो आपकी और मेरी तरह दुबला पतला व्यक्ति था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता था, उसके ऊपर अभिषेक आता था और उस अभिषेक के अंदर वो बहुत बड़े बड़े काम करने लगता था। इसीलिए उस लड़की ने पूछा, क्या है राज, क्या है तेरे को, तुझे ये कैसे मिलता है?
पहले वो ऐसे ही कुछ भी बोलता है, दूसरी बार झूठ बोलता है, और थर्ड टाइम वो बताता है मेरी पूरी ताकत मेरे बालों में है, यदि इन पे उस तरह चले तो मैं सामान्य हो जाऊंगा। और उस लड़की ने जाके उसको उसके लूपोल्स को जाके दुश्मनों को बताया और रात को बाल काट दिए, उसके बाद अंधा हो गया और अंत में देखो उसकी मौत कैसे हुई। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, अकॉर्डिंग टू बाइबल बड़े कठिन दिन है ये। परमेश्वर से सहभाग्यता रखना सीखें, ये आधे पौने घंटे के नियम अब बंद करें, आधा घंटा प्रेयर 15 मिनट की बाइबल, चलो भाई हो गया, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, दिन भर की रोटी दे, अब सहभागी होना सीखे। आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय दें, उस समय को सहभाग्यता कहते हैं, और वही सहभाग्यता आपको परमेश्वर के साथ एक करती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल खोलें, जो भी लोग आए हैं, हम सब आज खोलेंगे द बुक ऑफ हिब्रूस, इब्रानियों की किताब। हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ हिब्रूस, इब्रानियों की किताब, और हम सब खोलेंगे उसका 10वां अध्याय, चैप्टर 10। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सबने खोला इब्रानियों 10 अध्याय, हिब्रूस चैप्टर 10। ब्रदर आकाश आप पढ़ेंगे 10 का 36, 36वां वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है। मेरे पीछे बोलिए, धीरज रखना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हाँ। ओके, फिर से अभी जोर से पढ़िए। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने पे तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ओके, आइए तीन गिनने पर हम सब अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ेंगे, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठें, बिल्कुल सामने देखें, हाफ एन आवर का वर्ड है, बड़ी बरकत देगा आपको, आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें, लिसन। आप जानते हैं कौन से लोग गिव अप करते हैं लाइफ में? ये बिल्कुल हो सकता है कि आप यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन मन में हारे हुए व्यक्ति, कोई नई आइडिया नहीं आती आपको, कुछ भी नया करने का मन नहीं करता, कुछ करने से पहले ही आपके अंदर ऐसे ख्याल आते हैं कुछ नहीं होना मेरा, मुझे ऐसे ही जिंदगी जीनी है। इसे कहते हैं एक हारा हुआ मन। बाइबल बताती है गोलियत को देखकर शाऊल का मन कच्चा हो जाता था। आप जानते हैं आज हम क्यों ऐसे हैं, हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। आप जानते हैं इस बात को, हमारे गिव अप करने का, हमारा हियाव टूटने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमें धीरज नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है, और हमें पेशेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि हम तकलीफ में शांत नहीं बैठते, हम अपने हाथ पैर मारते रहते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। आपने देखा है क्यों लोग नौकरी पे जाके मैच्योर बन जाते हैं, क्योंकि उनमें धीरज आना शुरू हो जाता है। आप देखिए हमारे घर के अंदर अगर हमें कोई दो लफ्ज कह दे हम उनको चार लफ्ज सुना देते हैं, लेकिन नौकरी में आप क्यों नहीं सुना सकते? बॉस आपको क्या कुछ नहीं बोलता, कभी कभी वो हमें गाली भी देते थे लेकिन फिर भी हम सहते थे, क्यों?
क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। आप जानते हो, इसीलिए मैं अपने कलीसिया के अंदर हर एक को उत्साहित करता हूं, काम करो, नौकरी करो। यीशु के सारे चेले काम करने वाले थे। मैंने काम किया है, आपके पास्टर ने काम किया है, आज भी अगर मुझे अपने काम से कॉल आता है मैं जाता हूं, मुझे जाना पड़ता है। बहुत बार हमारे अंदर धीरज न होने के कारण हम चीजों को क्विट कर देते हैं। यहां पर बाइबल बताती है तुम्हें धीरज रखना बहुत जरूरी है। घाई घाई के अंदर लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं। मैं सच कहता हूं, एक दिन जानते हैं क्या हुआ, मैं सीएसटी पे खड़ा था शाम के टाइम पे। आपको पता है इतना सामने शाम को कितना रश होता है, ट्रेन कैच करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है शाम के। मैंने बहुत देखा, मैं भीड़ को देख रहा था, तब मैंने अपने दोस्त को कहा, यार एक काम करते हैं, ये ट्रेन जाने दे, इसके बाद वाला पकड़ेंगे हम लोग। 5 मिनट ट्रेन आने के बाद, आप जानते हो सीएसटी में हर 2 मिनट में ट्रेन आती है, 2 या 3 मिनट में, ये लोग चढ़ गए और मैं साइड में खड़ा था और मैं लोगों को देख रहा था। आप बिलीव कीजिए, ये पूरे गए, पूरा खाली हो गया। अब मैंने बोला अभी अभी तो टेंशन ही नहीं है, अभी दूसरा आएगा, मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ेगा। आप बिलीव कीजिए, 2 मिनट में दूसरी ट्रेन आने वाली थी, उतनी पब्लिक फिर आ गई। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, ये भी जानने दे। मेरे दोस्त ने बोला क्या परसों चलेगा क्या घर पे तू? मैं एक बार सोच रहा था, जो चढ़ रहे हैं वो कैसे चढ़ रहे हैं। तब मैंने अपने आप में एक बात सोची, मेरी सोच कितनी धोखेबाज है यार, सब चढ़ रहे हैं, धक्के मार के चढ़ जाते हैं, लेकिन हम हारे हुए लोग खड़े। आपको पता है क्यों? क्योंकि सोच हारी हुई है। मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा बोला, बोला बदर कभी चलना है? परसों चले। उसने बोला सामने होटल है, एक रूम बुक करवा देता हूं, 2 दिन रह लेते हैं, तीसरे दिन कोई ना कोई मरेगा, महाराष्ट्र बंद होगा, फिर चलेंगे। मैंने बोला क्या बोल रहा है तू? बोला यार क्या कर रहा है तू, 3 ट्रेन गई है। मैंने बोला चल यार चढ़ते हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं चढ़ गया, मुझे सीट मिली, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे विंडो सीट मिली। मैं सोच रहा था यार, और मेरा दोस्त बड़ा मैच्योर था, वो सामने बैठा था, उससे बोला सच लिखा है, मूर्ख के साथ घूम तो कोड़े लगने ही है। मैंने बोला माइंड योर लैंग्वेज, पुरानी बात है। आपने देखा हमारी सोच कैसी है। एक भिखारी जिसको सुंदर नामक फाटक में बिठाया जाता था, उसकी सोच बन गई थी जीवन भर ऐसे ही पैसे मांग के आगे चलते रहना है। एक दिन पतरस और यहुन्ना से भी उसने पैसे मांगे। पतरस ने बड़े गौर से देखा, यीशु ने उसको अंदर में कहा इसको पैसे मत देना। क्यों? इसको चंगाई दे। क्यों प्रभु? नहीं, इसकी पहली जरूरत पैसा नहीं है, ये चंगाई है, अगर ठीक हो गया ना ये काम करेगा। और पतरस उसको कहा उठ यीशु के नाम से, वो उठ के खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने उसको टांगे नहीं दी, प्रभु ने उसके बॉन्डेज को तोड़ा। यस, उसके बंधन को तोड़ा यीशु ने, कि आज की सोच भी मरी हुई है, इसको हीलिंग मत देना, इसको पैसे मत देना। मैं वहां खड़ा होता तो मैं दे देता, यार चंगाई बहुत बड़ी बात है, ये ले ले, हम मच्छर को ठीक नहीं कर पाते, तेरे को कहां से कर पाएंगे। लेकिन पतरस और यहुन्ना आत्मा में चलने वाले व्यक्ति थे, वो ऐसा नहीं लिखा गया है प्रार्थना करके आ रहे थे, लिखा है प्रार्थना करके जा रहे थे, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति और आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए जा रहे थे। और उनको कहता है उठ चल। एक दिन मैं ये वचन जब पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप उसको टांगे दे रहे थे? नहीं सूरज, उसके मन के अंदर उसकी सोच बदल रहा था मैं, कि अगर वो खड़ा हो जाए वो फिर से काम कर सकता है। कभी कभी देखा है आपने, आपकी सोच आपको क्या बना देती है। मैंने रिसेंटली एक फ्लायर देखा, एक आदमी था, उसकी मुंडी कटी हुई थी, और उसकी मुंडी जो थी ना, कटी हुई मुंडी उसके ऊपर रखी गई थी ऐसे, और वो अपनी ऐसे कुछ फ्लायर था, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मैं अभी ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं। उसमें लिखा था मनुष्य के सबसे भारी उसके ख्याल होते। आप जानते हो, आप सिर्फ और सिर्फ
चंगाई और बहुत सारी चीजों में चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सबसे पहले आपकी सोच को ठीक करना चाहता है। कई बार हम पकड़ के बैठते, मैं प्रभु से पीछे हो गया, मैं प्रभु में पीछे हो गया, मैं पीछे हो गया। ठीक है, हो गया, अब क्या करना है? रोना है? मैं ऐसा क्यों हो गया कि उठना है? जानते हो इस बाइबल को आपको देने का मुख्य कारण क्या था? ताकि आप में मसीह का मन उत्पन्न हो, ताकि आप में क्राइस्ट का माइंड आ सके। घर जाके अपनी बाइबल में लिख देना, पत्रस ने चंगाई नहीं दी, पत्रस ने बंधन तोड़ा। हमेशा वो आदमी बैठ के सोचता था, यार लोग आएंगे, यही तो लाइफ है, लेके खाना है। एक दिन उसको चंगा किया गया ताकि उठ के काम करे। अब यहां पर लिखा गया है, तुम्हारा धीरज धरना जरूरी है। इससे क्या होगा? रीड अगेन ब्रदर, थोड़ा आगे जाइए अभी। ना ना ना, वही वचन, तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है उसके आगे, सुनिए, ताके मतलब इससे जुड़ा हुआ है वो, ताके परमेश्वर की इच्छा को, ताके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है वो कभी प्रभु की मर्जी भी नहीं पूरी कर पाएगा। मैं चाहता हूं अपने अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुने। बहन आप इसे ले जाइए, घुमा के लाइए, जल्दी जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं प्रभु, आप बड़े अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, आप इज्जत के योग्य हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है? कम ऑन, हमारे प्रभु यीशु मसीह की। माइंड डाइवर्ट हो जाए, इससे अच्छा हम प्रेस करें। लिसन, यहां देखिए, आज से बहुत साल पहले बाइबल मुकद्दस बताती है, देयर वॉज अ प्रॉफिट इन इज़राइल कॉल एलाइजा। एक परमेश्वर का नबी रहता था, बोलो नबी। हाँ, आज का नबी और उन दोनों का नबी बहुत डिफरेंट है। बोलो, आज का नबी, उन दोनों का नबी बहुत अलग है। उन दोनों के नबी के सामने आप बैठोगे ना, तो ना क्या बता देगा कि आप कहां से आए हो? एलिशा गैजी से मिलके बोलता है, कहां गए थे? इधर ही था। नहीं नहीं, कहां गए, कहां गया था तू? मैं यहीं था। जब तू नमान से ले रहा था, मैंने सब देखा। वो लोगों की लाइफ देखते थे। आज का नबी जानते क्या जानता है? आपका फोन नंबर। वो जीवन जानते थे, हम फोन नंबर जानते। आज के नबियों के सामने आप खड़े हो जाओ, आपका नंबर बताएंगे। मुझे किसने नंबर बताया? ये आपका नंबर है। मैंने बोला पता है, इसमें क्या बड़ी बात है? बोला ये आपका नंबर है। मैंने कहा एड्रेस भी बता दे। कितना डिफरेंट है ना आजकल। उन्हें क्या पता था, इन्हें क्या पता है? आज वो प्रोफेसी जो कलीसिया को खुदा की तरफ नहीं फेरती, वो सिर्फ मनुष्य की चतुराई है। Shall I repeat again? हजम हो रहा है कुछ लोगों को? नहीं हो रहा है तो भी करना पड़ेगा। जो भविष्यवाणी लोगों को खुदा की तरफ न फेरे, वो भविष्यवाणी नहीं है, वो मात्र मनुष्य की चतुराई है। आपने देखा था पिछले दिनों में हम जिनके पास जाते थे, वो हमें क्या बोलते थे? तीन बातें, तू सबका भला करता है, तेरा भला कोई नहीं करता। ये सबके साथ होता है। तू तीन बार एक्सीडेंट से बचा है, हर कोई बचा है। ए पे कोई व्यक्ति है जिसने तेरे ऊपर जादू किया है, जाओ अनिल अशोक सबको पकड़ो, जाओ अभी। क्लेवर पीपल, बोलो क्लेवर। हाँ, बड़े सयाने लोग। बाइबल बताती है, देयर वॉज अ मैन कॉल्ड एलाइजा, एक नबी था, और ये एक ऐसा नबी था कि अपने दिनों के
राजनीतिक लोगों से भी भीड़ पड़ता था। आप जानते हैं इस बात को? बाइबल ऐसा बताती है, उन दिनों में एक परिवार था इज़राइल में। ये परिवार इज़राइल के पतन का कारण था। पतन का मतलब होता है जो बिल्कुल खुदा से दूर हो गए। ये परिवार जादू टोना करता था। इस परिवार का नाम था अहाब और इजबिल। उन दिनों में बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु का वचन जो था वो एलिया के पास पहुंचा। एलिया भविष्यवक्ता अहाब के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे कहे बगैर एक बारिश की बूंद नहीं पड़ेगी। और ऐसा हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है एक आदमी में इतनी ताकत है कि वो आकाश को रोक देगा? है इतनी ताकत? पर आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके शब्दों को मान देता है। मैं कभी कभी ऐसा बिलीव करता हूं। देखिए यहां पर ये एलिया खड़ा है, सामने आसमान है और वहां से प्रभु खड़े हैं। एलिया कहता है, हे आसमान अपने झरोखे बंद कर। आसमान ने सुन लिया। जानते हो क्यों? मैं ये मानता हूं ऐसे हुआ। एलिया ने कहा, हे आसमान बंद हो जा, और परमेश्वर ने वहां से देखा ये व्यक्ति मेरे साथ चलता है, और प्रभु ने आसमान को कहा, हे आसमान, एलिया कहता है इसलिए शांत हो जा। वो अपने दासों की कहे हुए बातों को मान लेता है। आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा कि यीशु ने कुछ कहा और वो न हुआ हो? पतरस अगले दिन आके कहता है, हे प्रभु तूने इस पेड़ को कल श्राप दिया था, वो सूख गया। यीशु कहता है, अब तुम इस पहाड़ को देख रहे हो, हां, इसे कहो उखड़ और पानी में पड़, और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। क्या यीशु ने यह कहा पहाड़ से, कहो सर मैं 40 दिन के उपवास में हूं, कृपया उखड़ के चले जाइए? हमें से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना सीखी है, हमें से बहुत सारे लोगों ने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना सीखा है, पर कितने लोगों ने प्रार्थना और गिड़गिड़ाने के बाद अपना अधिकार भी सीखा है? बोलिए, अपना अथॉरिटी भी सीखा है? अरे डीसीपी हो आप, खुद को हवलदार समझ के बैठ गए हो। आप ऐसे बहुत सारे लोग डीसीपी हैं, एक बड़े अधिकारी है, लेकिन अपने आप को अपने क्या समझा है? हवलदार, पांडु हवलदार। हां बिल्कुल। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने ऐसा कह दिया और 3.5 साल तक इज़राइल में कोई बारिश नहीं हुई। आपको लगता होगा, ब्रदर एलिया तो एलिया था ना, कितना सामर्थ्य होगा, सारा सारा दिन दुआओं में रहता होगा। याकूब में लिखा है, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्यता। उसके पास भी फैमिली प्रॉब्लम्स थे हमारी तरह, उससे भी प्रॉब्लम्स आती थी, उससे भी हेल्थ इश्यूज होते थे। क्यों लिखा है सुख दुख भोगी मनुष्य? आपकी तरह ही था वो। लेकिन जानते हो एक अच्छी बात क्या थी? वो संसार में रह के खुदा के साथ चलना सीखा था। ये एक अद्भुत बात है अपने आप में। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है उसने प्रभु की आवाज सुनी। और सुनिए, जो रहस्य वो जानता था, अगर ये रहस्य आप भी जान लो, मैं आपको सच कहता हूं आप बड़ी बरकत पाएंगे। जानते एलिया ने एक दिन क्या सुना? एलिया ने एक दिन प्रभु से सुना, अब बारिश होगी। आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं, जिस समय एलिया ने बाल के 400 नबियों को हराया था, तो जानते हैं उसने एक बात कही थी वहां पर? वो कहता है, प्रभु हे इब्राहिम इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं अपनी अग्नि भेज और प्रकट कर इनके सामने कि मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किया है। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था पहले। अब इसने सुना कि बारिश होने वाली है, और जानते उसने क्या किया? अपने एक सेवक को लिया, पहाड़ पर चला गया। और अब सुनिए इसे पहाड़ पे क्या किया। यही हमें प्रतिदिन करना चाहिए। एलिया घुटनों पर आया, और जानते हो उसने जो व्यक्ति वो लेकर गया था उसको घुटनों पे आने के लिए नहीं कहा, उसको कहा तू खड़ा रहे। और ऐसा लिखा है, एलिया ने
घुटने टेके और अपनी मुंडी घुटनों के बीच में डाली, एकदम सुकड़ गया और वो दुआ करने लगा। दुआ करने के बाद जानते हो वो क्या करता है? अपने उस दास को कहता है, जा वहां पर, जरा देख तुझे कुछ दिख रहा है? वो जाता है, वो कहता है, नहीं कुछ नहीं है। फिर दूसरी बार उसे कहता है, अब जा। बोलता है, नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बादल नहीं है? नहीं। अभी तीसरी बार गया, बोलता है, अब देख कुछ बादल दिख रहा है? बोलता है, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। चार बार, पांच बार, छह बार जाके उस व्यक्ति ने सेम बात कही। लेकिन जब वो सातवीं बार गया और जब उसने आसमान को देखा, तब आके वापस कहता है, हाथ के जितना बादल दिख रहा है अब। और जानते हो वो बादल वहां पर हाथ की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बादल इज़राइल के ऊपर आया, बाइबल बताती है वो बड़ा हो गया और वहां पर बारिश हुई। सुनिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, एलिया को जब पता चला बारिश होने वाली है, तब एलिया खुश नहीं हुआ, तब एलिया कंफर्ट में नहीं आया। एलिया एक रहस्य जानता था कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है वो उसे वापस दुआओं में करना पड़ता है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको कहा है, आपके हृदय में डाला है, तेरा परिवार बचेगा, उद्धार पाएगा। और हम में से बहुत सारे लोग वचन को सुनने के बाद एक्साइटेड होते हैं, घर जाते हैं, हिप्पे पूरे करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस तरह पूरी नहीं होती। एलिया ने सुना कि आवाज आ रही है, लेकिन एलिया चुप नहीं रहा। एलिया ने उस बात को लेके दुआएं की। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं जाकर तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और जब चेलों ने यह बात सुनी, वो घर नहीं चले गए, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा वो दुआ करते रहे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? हम वचन को सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, पर उस सुनी हुई बात को लेके दुआएं नहीं करते। इसीलिए हम उन बातों को कार्य में आते हुए भी नहीं देखते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए? यहां पर हर कोई होगा जिससे परमेश्वर बातें करता है, पर क्या वो सुनी हुई बातों को लेकर आप उसके सामने दुआओं में जाते हैं कि प्रभु ये आपका वचन है, ये आपने मेरे हृदय में डाला है? कभी कभी आपने देखा है, आप सभाओं में आते हो, कोई तो ऐसी बात होती है जो आपके हृदय में डाल देता है। वो बातें घूमती रहती हैं, यार ये भाई को कैसे पता चला? आज मैं ये सोच रहा था, सर मुझे नहीं पता चला, परमेश्वर जानता था और उसने मेरे मन में डाला आपको कहने के लिए। अब वो आपके हृदय में बात आई है, अब क्या करोगे? यहां से जाते जाते ये कहोगे, मीटिंग बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, क्या प्रचार करता है ये भाई, सबसे अलग करता है। परमेश्वर को इससे कोई वास्ता नहीं है। परमेश्वर चाहता है जो कुछ वो आपके हृदय में डाले उसे लेकर दुआएं करो। हमारे कलीसिया में एक लड़का है, उसने एक दिन मुझसे शिकायत की, बोला भाई एक व्यक्ति ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, 6-7 साल हो गए हैं, ही इज अ मैन फ्रॉम अंबरनाथ। बोला ब्रदर पूरी नहीं होती है, मैं 3 साल से वेट कर रहा हूं। मैंने उसको कहा, क्या आपने उस प्रोफेसी को लेकर दुआ की है आज तक? बोला नहीं। कैसे पूरी होगी, मुझे बताइए कैसे पूरी होगी? एलिया को प्रभु ने कहा बारिश होने वाली है, क्या एलिया चुप करके बैठा रहा, वो दुआएं करता रहा? यीशु तो जानता भी था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, उसके बाद भी आप देखिए वो गस्मनी में दुआएं कर रहा था। चौथा शनिवार है आज, मतलब चेतन चौथा शनिवार है, खुदा हमें दुआओं के लिए सिखा रहा है, इट्स अ फोर्थ सैटरडे। हर जगह पे इन दिनों में परमेश्वर मुझे ये सिखा, मुझे ये कहने के लिए बोलता है, इन्हें बोल अपनी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग करें। हर काम जल्दबाजी में है हमारा, सॉरी हर काम बड़े धीरज से है,
कभी बैंक के काउंटर पे जब 100 की गड्डी 100-100 की गड्डी के जब 10,000 रुपए मिलते हैं, 99 हो जाएं, गिनते गिनते छोड़ देते हो, बरोबर ही होगा ना, मेरे से गलती हुई है, वहीं पर खड़े हो जाते हैं। एक दिन मैं बैंक में गया था 10,000 रुपीस निकालने के लिए, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे दिए और मैंने गिनना चालू किए, मेरे पीछे लंबी लाइन थी, मैंने गिनना चालू किए, मुझे बाद में ऐसा लगा इसमें एक नोट कम है, सब मुझे बोल दे ओ भैया जल्दी करना, मैंने उनको बोला चुप कर। फिर से मैंने गिने, मुझे वापस 99 लगे। एक आदमी तो मुझ पे इतना भड़का, उसने बोला तू साइड में बैठ के करना, मैंने कहा तू साइड हो जाना। फिर से गिने, फिर मैंने कैशियर को बोला, मैंने कहा सर इसमें एक नोट कम है, उन्होंने मशीन में चला 100 दिख रहे थे। 100 रुपए की वजह से कम 20 मिनट स्टेट बैंक में खड़ा था। कितना हम लोग आराम से धीरज से करते हैं। इवन कभी कभी आप में से देखो कुछ ओल्ड लोग, अगर आपका बेटा आए और कहे पापा ये पेपर पे साइन तो दे, ये भी ये जो यहां पर नजर कम होती है इधर से थोड़ा ज्यादा दिखता है ना, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, मैं वकील से पढ़वा के फिर साइन करूंगा, तेरा क्या भरोसा, थोड़ा बहुत है वो भी ले ले तो तू। हर काम धीरज से करते हैं, पर जानते हो पतरस क्या कहता है, संयमी होकर प्रार्थना करो। क्यों पतरस? क्योंकि तुम यही काम बड़े घाई में करते हो। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आकाश और पृथ्वी के मालिक यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हो गई मेरी प्रार्थना। पतरस कहता है दुआओं को संयम में क्यों नहीं करते, सब काम संयम में करते हैं, बड़े आराम से करते हैं, लेकिन सबसे जल्दी जानते हैं क्या करते हैं, दुआ। मैंने देखा है विश्वासियों को इतनी जल्दबाजी में दुआ करके पूरी करेंगे, यार जल्दी पूरी कर, शाम को पूछेगा प्रेमानी प्रार्थना किया था, हाथ तो उठा पाऊं। Is that your spiritual life? इतना घाई में बॉम्बे की आत्मा घुसी है क्या आपने? आपने देखा ट्रैफिक में लोग क्या करते हैं, सब घुसने की कोशिश करते हैं, सब कोई नहीं ठहरता, अरे मैं जाऊंगा। ये गंदी आत्मा कलीसिया में क्यों लेकर आए हो? यहां पर लिखा गया है जो करते हो धीरज से करो। जानते हो कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, वो आपको डिफिकल्टीज में रखता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी कभी आप दुआएं करते हो चंगाई नहीं मिल पाती, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिनका स्वभाव आपसे पूरी तरह से डिफरेंट है और खुदा आपको इतना पैक कर देता है कि आप भाग भी ना पाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है ये घाई भरा स्वभाव इससे इतनी गलतियां करवा देगा, फ्यूचर में इतनी गलतियां करवा देगा कि कोई चीज पूरी भी नहीं होगी, ये क्विट कर देगा। अब इसमें धीरज कैसे पैदा करें? तब परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में रखता है जहां पर सहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। याकूब कहता है करने दो धीरज को अपना कार्य। कितने लोग हैं यहां पर, घर जाते हैं आप, लेट हो जाती है और लोग आपको, आपके परिवार वाले आपको बोलेंगे सारा दिन चर्च चर्च चर्च, पागल हो गया तू, सारा दिन इशू। और कई बार जानते हैं हम क्विट कर देते हैं, छोड़ यार मैं बचाना, भले लोग आए नहीं आए। आज मैं दुआ करता हूं कि आज इस बात को आप समझो। एक दिन जानते हैं क्या किया प्रभु ने, बाइबल बताती है उसने इसराइलियों को निकालने के लिए मूसा को भेजा। हमारा परमेश्वर इतना महान है, सुनिए इस बात को, एक दिन उसने मूसा को मिस्र भेजा ताकि इसराइली को निकाल सके। सदैव याद रखना मिस्र पास्ट है, कनान फ्यूचर है। परमेश्वर जानता था कि ये लोग कभी भी अपने पास में चले जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, आज क्या काम करेंगे प्रभु? आप एक काम करेंगे, इनको निकालते हैं यहां से। जैसे वो निकले, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनके पास को जगाया, फिर उनके मन में डाला
उठ भाग इनके पीछे। और जैसे फिरौन उनके पीछे भागा पास पकड़ने के लिए आया, जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? हमारे महान प्रभु परमेश्वर ने उस पास को लेके सदैव के लिए जमीन में गाड़ दिया। कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारा एक पास था और आपने देखा वो पास हमारा यीशु क्रूस पे निगल गया। हमारे पास को मिटाया नहीं गया है, हमारे पास को गाड़ दिया उसने कि अब तुम्हें देखता हूं कौन सताएगा। ये हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया। मैं उस दिन वचन पढ़ रहा था जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था मिस्र पास्ट है, कनान फ्यूचर है। प्रभु जानता था ये बहुत बार पास में जाके जिएंगे, पास में चले जाएंगे, पास्ट में कुछ करेंगे, कुछ करते हैं इनके पास्ट का। और एक दिन परमेश्वर ने इनके पास्ट को जगाया, जा इनका पीछा कर। और उन्होंने देखा और उनके पास्ट को प्रभु लाल समुंदर में लेके आया और उसने उनके पास्ट को वहां पर गाड़ दिया। अब देखता हूं तुम क्या करते हो। शैतान बोलता है ना कई बार आपको, तेरा पास्ट कैसा है, तेरा पास्ट कैसा है, कितना तूने गंदे काम किए। आज से उसको आप कहेंगे मेरे पास्ट को छोड़, क्षमा छोड़, यीशु ने गाड़ दिया उसे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं मैं इस विश्वास से जीता, मेरा पास्ट जिंदा नहीं है, मेरा पास्ट यीशु ने गाड़ दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सदैव इस बात को याद रखिए, सुना हुआ वचन मात्र उसे एंजॉय मत कीजिए। मैं इतना भी जानता हूं ये वो कलीसिया है महाराष्ट्र की जहां पर परमेश्वर बड़े सामर्थ्य तरीके से बात करता है, लेकिन याद रखना इस चीज को, मैसेजेस को एंजॉय करना बंद कर दो। एथनेस के लोग नई नई बातों को सुनने में अपना समय बिताते थे, ये स्पिरिट को निकालो। आप जानते हो एथनेस में जहां पॉलुस ने गॉस्पल प्रीच किया था विजडम से, उन्होंने एक मूर्ति देखी जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, और पॉल वहां पर खड़ा होकर कहता है जिसे तुम नहीं जानते आओ मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। उस नगर के लोगों के बारे में जानते क्या लिखा है? वे नई नई बातों को सुनने में बड़े इच्छुक थे। पॉल एक नई बात लेके आया है, ही इज टेलिंग समवन हु रेज्ड फ्रॉम द डेथ। ये कहता है कोई मुर्दों में से जी उठा, आओ हम सुनते हैं। और वो सब जमा होते थे और बड़े सुनते थे। नेक्स्ट डे कोई और आएगा उसको भी सुनेंगे। उन्हें सत्य को पहचानने में कोई मतलब नहीं था, वे नई नई बातों को सुनने के व्यस्त रहते थे। ये स्प्रिट को निकालो और परमेश्वर के वचन को जानो। आप जानते हो पौलुस की बनाई हुई कलीसियाओं के नाम क्या क्या थे बताइए? एक एक ही बताए, कोरिन्थियो और कोई? एक ही बताए, कोरिन्थियो और गलातियो, एफिसियो, हाँ, कोलिसियो, फिलिपियो। पर कितने लोग ये बात जानते हैं इसकी एक और कलीसिया थी, इसका नाम था बिरिया। क्या नाम था उनका? बोलिए बिरिया। उसको लेटर क्यों नहीं लिखा? आप सोच सकते हो चेतन भाई, अगर हमारे कलीसिया में पॉल आए और कहे मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, और हम उसको ये कहें मीटिंग सुनने के बाद, पौलुस आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, मजा आ गया, लेकिन हम आपके साथ सहमत हैं कि नहीं है, ये हम आपको अगले रविवार को बताएंगे। पौलुस बोलेगा पूरा हफ्ता क्या करोगे? पूरा हफ्ता जानेंगे, जाके देखेंगे जो आपने प्रचार किया वो लिखा है। जब पौलुस ने ऐसे लोगों से मुलाकात की तब वो जान गया इन्हें लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर अ नोबल पीपल, ये वचन को जानने वाले लोग हैं। वचन को जानो। परमेश्वर ने जिन भी सर्कमस्टेंस में आपको रखा है ना, वहां रहो, वो आप में धीरज पैदा करेगा। आपको मैं सच्ची बताता हूं, इतने मूर्ख भरे काम करते हैं कुछ विश्वासी क्योंकि धीरज नहीं है। दे डोंट हैव एनी पेशेंस, हर काम
काम में जल्दी की, हर काम में जल्दी, ये ले लूं, ये ले लूं, ये करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। चलो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ के हम इस संदेश को समाप्त कर रहे हैं। यहां देखिए, जब सैमुअल ने दाऊद पर हाथ रखा अभिषेक के लिए, तो दाऊद ने सेवा कब शुरू की? अगले दिन। हाँ, क्यों? आज आप किसी को एक बार कह दो क्या प्रचार करता है, आपके बाजू में कलीसिया खोल देगा और तीन चार तो आपके लोगों को लेके जाएगा, आ जा। आपके तीन चार लोगों को लेके चर्च चालू कर देगा। जानते हैं क्यों? धीरज नहीं है। अंकल दिनकरन को जब परमेश्वर ने बुलाया स्वर्ग में ये कहने के लिए कि तू 24 घंटे सेवकाई कर, जानते हैं अंकल दिनकरन ने क्या कहा? मैं नहीं करूंगा। कबूतर का पंख पड़ा था वहां पर साइन के लिए, इंग्लिश में लिखा था आई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपॉइंट यू फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री, और उसने कहा नहीं करूंगा। अंकल दिनकरन को यीशु ने कहा क्यों? बोलता है मैं आपके लोगों को जानता हूं जो 24 घंटे पास्टर हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, कपड़ा नहीं है, एकदम गंदी लाइफ जी रहे हैं वो, कुछ भी नहीं है उनके पास। जानते हो अंकल दिनकरन ने क्या कहा? मैंने उनको कभी बुलाया ही नहीं था, जबरदस्ती मेरे कंधे पे आके बैठे। परमेश्वर की बुलाहट पाने के बाद 8 साल तक वो काम करते रहे। 12 साल की ईश्वरी उम्र में इतना ज्ञान हासिल किया, हम सब मिलके भी उससे बात नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी 18 साल खुदा ने उसे कहा जस्ट शट योर माउथ, शांत रह, अपने मुंह को बंद रख और चुपचाप से काम कर। कितना पेशेंस! प्रभु जानता था दाऊद वो गलतियां न करे जो शाऊल ने की हैं। शाऊल के निर्णय पूरी तरह से मूर्खता पूर्ण होते थे। याजक भी बनना है, काटना भी है, राजा भी बनना है, जीतना भी है। एक दिन प्रभु ने कहा मैं फेडअप हो चुका हूं उस आदमी से, इसके अंदर कोई पेशेंस नहीं है। तब परमेश्वर ने दाऊद को जब देखा तो क्या देखा? दाऊद में भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट करके खड़ा करेंगे। शाऊल को दाऊद के पीछे लगा दिया, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद प्रभु के पीछे, और वो 13 साल सहता गया। उसके बाद जब वो 30 साल का हुआ, प्रभु ने कहा प्रेज द लॉर्ड, अब ये बंदा तैयार है, चलो खड़ा कर दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। ये घाई वाला स्वभाव निकलने दो। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? एलिया ने क्या किया? बस एक बार देख के निराश हो गया? बार बार प्रयास किए उसने, जा देख, वो दुआएं करता रहा। जिस दिन आप में धीरज बढ़ेगा ना, आपका वो गिवअप करने वाला कैरेक्टर भी आपके अंदर से निकलता जाएगा और आप सदैव खड़े होगे उसके नाम के लिए। आप उसे बोलोगे, आप शैतान को मालूम है रोज क्या बोलोगे? शैतान तू जानता है, ए मूर्ख तू जानता है। आप उसे ऐसे बोलोगे, यस ये उसका नाम है, ए मूर्ख तू जानता है क्या तू मुझसे लड़ रहा है ना? हाँ, पते को पता है प्रभु ने मुझे ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें पहले से जीत चुका हूं। एक प्रभु के दास ने कहा विजयी होने के लिए मत लड़ो, अपनी विजय में लड़ो। विजय पाने के लिए मत लड़ो, अपनी विजयता में लड़ो। खुदा ने तुम्हें ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। यहां देखिए, सब ये लास्ट वर्ड्स हैं। बाइबल की पहली किताब जानते हो क्या बताती है? उत्पत्ति, सांप जीता है। यस दिस इज ट्रुथ, ये सत्य है। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति बताती है सांप जीता, लेकर गया वो लोगों को खुदा से दूर। पर आप जानते हो इसी बाइबल की अंतिम किताब क्या बोलती है? मेमना जीता है। यस, कैसे?
कैसे जीता? उत्पत्ति बताता है शैतान मनुष्यों को खुदा से दूर ले गया, इस तरह वो जीता। प्रकाशित वाक्य बताता है मेमना उसकी प्रजा को वापस ले आया। यस, इट इज रेवलेशन, ये प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है। इसलिए वो किताब ओवर कमर्स को लिखी गई है, जो जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए। 7 ओवरकमिंग ब्लेसिंग्स हैं। जो जय पाए मैं उसे सफेद पत्थर दूंगा, जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा, जो जय पाए उसे गुप्त मन्ना दूंगा, जो जय पाए मैं उसका नाम उसके माथे पर लिखूंगा। ओ 7 ओवरकमिंग्स, आई प्रीच इन रायपुर, 7 ओवरकमिंग्स। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज को समझे, परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है रहिए, परमेश्वर को अंदर काम करने दीजिए, फिर आप देखिए आप उसके प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्ड, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू। पिता हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के लिए। हम घोषणा करते हैं मेमना जीता है, हम घोषणा करते हैं कि आपकी जय हुई है, हम विश्वास करते हैं आपने विजय पाई है। स्वर्गीय पिता आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कई बार आप हमसे प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन प्रभु उन प्रतिज्ञाओं को सुनने के बाद हम उनके लिए दुआएं नहीं करते पर मात्र खुश रहते हैं। पर आज हमारे अंदर से ये बात निकलने दे और हम एक योद्धा बना जिनको लेकर प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए। हम पर दया करें प्रभु, हम पे अनुग्रह करें। जितने भी लोग प्रभु हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं, तू हर एक पर दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर। जिनका परिवार विश्वास में नहीं है, यह साल उनके परिवार के उद्धार का साल हो, हम आपसे ये विनती करते हैं। लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरी वन, आई प्रे इन जीसस माइटी नेम, आमेन एंड आमेन।